ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। मेरा जीवन मेरा संदेश है। एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है, प्रेम बहादुरों का विशेषाधिकार है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का समाधान है। कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। किसी चीज में यकीन करना और उसे न जीना बेईमानी है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और फिर भी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें सबसे नम्र हैं। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है वहाँ जानवरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूँ, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों के। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचार को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। एक धर्म जो व्यवहारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और उन्हें हल करने में कोई मदद नहीं करता, वह कोई धर्म नहीं है। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, न कि उसे पाने में। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है, वह सबके भीतर है। विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। तुम जो भी करोगे वह नगण्य होगा, लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आप पे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। सात घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। हर रात जब मैं सोने जाता हूं मैं मर जाता हूं, और अगली सुबह जब मैं उठता हूं मेरा पुनर्जन्म होता है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है कि आप कभी जान न सके कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते हो, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है।